अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे हल्की पर सबसे मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट की, जिसे दिल्ली के आईआईटी और डीआरडीओ ने मिलकर तैयार किया है। अभेद नाम के इन दो बुलेट प्रूफ जैकेट्स उन सभी बुलेट प्रूफ जैकेट से बिल्कुल अलग हैं जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। इन पर AK-47 और स्नाइपर राइफल की कई राउंड गोलियों का कोई असर नहीं होता, यानी कि भीषण गोलीबारी में भी ये जैकेट्स हमारे जवानों की जान बचाएंगी। चाहे बात चीन की हो या पाकिस्तान से लगी सरहद की या फिर सीमा के अंदर की, देश की सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने में भारतीय सेना के जवान डटे रहते हैं। मातृभूमि के लिए फर्ज निभाते हुए कभी कभी वो गोलियों की बौछार के बीच फंस जाते हैं। इन मुश्किल परिस्थितियों से भी दुश्मनों की गोलियां हमारे जवानों का कुछ बिगाड़ ना पाए, इसके लिए DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर भारतीय सेना के जवानों के लिए एक बेहद मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। इनका नाम अभेद है। ये दो जैकेट हैं। ये जैकेट ऐसा है जिसे भेद पाना दुश्मनों की गोली के लिए असंभव है। यहाँ तक कि दुनिया की बेहतरीन असॉल्ट राइफल AK-47 की गोली भी इसे पार नहीं कर सकती, जबकि ये दूसरी बुलेट प्रूफ जैकेट स्नाइपर राइफल की गोलियों को भी 8 राउंड तक नाकाम कर सकती है। अब तक जो AK-47 से बचाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट मौजूद है वो लगभग 6 गोलियों को रोक सकती है, लेकिन नई जैकेट ऐसी 8 गोलियों का सामना कर सकती है। जबकि स्नाइपर जो जैकेट होती है, जो जैकेट है बुलेट प्रूफ, पूरी दुनिया में, यहां तक कि US आर्मी के पास स्नाइपर से बचने के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसकी कैपेसिटी 1 से 3 गोलियों की है, लेकिन हमने जो डेवलप करी है IIT दिल्ली और DRDO ने, उसकी कैपेसिटी 8 गोलियों की है। पूरी दुनिया में ऐसी कोई आर्मी नहीं है जिसके पास स्नाइपर से बचाने वाली इस तरह की बुलेट प्रूफ जैकेट मौजूद हो। इन बुलेट प्रूफ जैकेट की सबसे बड़ी खासियत इनका हल्का होना है, यानी ये जैकेट शरीर पर बिना वजन महसूस करवाए गोलियों से सुरक्षा की गारंटी है। AK-47 की गोलियों से निपटने वाली अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन महज 8.2 किलोग्राम है, जबकि स्नाइपर के लिए बनाई गई अभेद बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन महज 9.5 किलोग्राम है, जो कि पूरी दुनिया में सेना के लिए इस्तेमाल होने वाली किसी भी स्नाइपर बुलेट प्रूफ जैकेट के वजन से बेहद कम है। फिर भी 2 किलोमीटर दूर से आती 840 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गोली को रोकने में कामयाब हो जाती है। तो ये कॉम्पोजिट मटेरियल होता है, ये फाइबर्स होते हैं, पॉलीथिलीन के फाइबर्स होते हैं, अल्ट्रा हाई मोलिकुलर वेट पॉलीथिलीन है, जिसको कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस से ज्वाइन किया जाता है और वो कंप्रेशन मोल्डिंग कहलाता है। इन खास तरह के बुलेट प्रूफ जैकेट को बेहद बारीकियों से तैयार किया जाता है, जिसके लिए तैयार होने वाले पैनल को तैयार करने में पॉलीइथिलीन सिरेमिक जैसे मटेरियल का भी इस्तेमाल होता है। पहले हमारे पास एक ये कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन है, तो जब भी हम पैनल बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इस तरीके का रॉ मटेरियल होता है। प्लेट होती है जो सामने की, जो सस लगती है, जो प्लेट होती है हमारी जो बुलेट रोकती है, तो उसको बनाने के लिए इस तरीके का मटेरियल यूज किया जाता है। इसको हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल पे स्टैक करते हैं, ठीक है, और फिर हम एक कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन पे रखते हैं। इसमें क्या होता है, आप हाई प्रेशर और टेम्परेचर लगाते हैं। जो हमारी मशीन की कैपेसिटी है वो 1000 टन का प्रेशर देती है, ये फोर्स देती है, और जो इसका टेम्परेचर जाता है वो 450 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो यहाँ पे एक बेसिक हार्ड पैनल जो होता है वो हमारा बन के तैयार होता है। इसके बाद तैयार किए गए पैनल की गोली रोकने की क्षमता भी जांची जाती है। ये मेरे हाथ में सर सैबो है, इस सैबो के ऊपर हमारे पास एक बुलेट रहेगा। सपोज ये AK-47 का बुलेट है, हम इसके ऊपर ये माउंट करेंगे और फिर लेजर मार्किंग के थ्रू हम इसको पैनल के ऊपर टेस्ट करेंगे। उसके लिए हमें इस सैबो को इसके अंदर इंसर्ट करना होगा, इसको हम बंद कर देंगे सर इसके साथ, और ये हमारा लेजर मार्किंग है। ये जो हमने पैनल अभी लगाया है उस पैनल के ऊपर ये लेजर का पिन पॉइंटेड हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा चैम्बर सर प्रेशराइज गैस चैम्बर रहेगा और ये बुलेट ट्रेवल करेगी वैक्यूम के अंदर, जो कि आगे जाके हिट करेगी हमारे पैनल को। मतलब
और ये हमारा पैनल रहेगा, ये पैनल इस क्ले के ऊपर हम माउंट करेंगे यहाँ पर, ताकि जो इसके पीछे बैक फेस डिफॉर्मेशन आ रहा है वो बैक फेस डिफॉर्मेशन इसके अंदर हम काउंट करेंगे, और एज पर स्टैंडर्ड वो 25 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये प्लेट इसके ऊपर रहेगा, इस प्लेट के ऊपर हमारा बुलेट आके स्ट्राइक करेगा, और एक इसके अंदर हमारा सेबो कैचर रहेगा जो कि इस लोकेशन पे माउंटेड रहेगा। उसके बाद से ये बुलेट फ्रीली इसमें ट्रेवल करेगी और इसके ऊपर हिट करेगी। तो इससे मशीन से हम इन हाउस टेस्टिंग अपने पैनल्स की कर रहे हैं, और जब हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारा पैनल अब रेडी हो गया है, तब हम इसको फाइनली DRDO TBRL चंडीगढ़ के पास भेजते हैं। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के अलावा आधुनिकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने वाले हैं, माता रानी के आगमन का सबको इंतजार है, लोग खरीदारी में जुटे हुए हैं। गुजरात की बात करें तो यहां मां दुर्गा की आराधना के साथ ही रास गरबा का विशेष महत्व है। नवरात्र शुरू होने के 3 महीने पहले से ही गुजरात में युवक और युवतियां गरबा क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं, और अब वक्त आ चुका है गरबा के लिए खरीदारी का। ऐसे में बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। नवरात्र में गरबा के लिए सजे बाजार, रंग बिरंगे परिधान, डांडिया और गहनों की भरमार। बाजार में खरीदारी के लिए भारी संख्या में उमड़ रहे खरीदार। नवरात्र पर गुजरात के हर शहर और कस्बे के बाजारों में ऐसी ही रौनक और चहल पहल है। गरबा रास के लिए दूर दूर से लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद के मशहूर लॉ गार्डन मार्केट की है। 3 अक्टूबर से नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है, और नवरात्रि के दौरान अगर गुजरात की बात करते हैं तो मां दुर्गा के 9 स्वरूपों के साथ रास गरबा का यहां विशेष महत्व है। फिलहाल मैं अहमदाबाद के लॉ गार्डन के अंदर मौजूद हूं। आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाओं और खास करके युवतियों को, जो कि चनिया चोली परचेज करने आई हुई हैं। हर कोई खरीदी में व्यस्त है और बड़ी संख्या में लोग लॉ गार्डन में आके खरीदी करते हैं। ना सिर्फ अहमदाबाद के लोग, लेकिन अहमदाबाद के आसपास के जो शहर हैं, जो गांव हैं, वहां से भी लोग अहमदाबाद के लॉ गार्डन में आते हैं और चनिया चोली समेत जो भी ज्वेलरीज यहां पे मिलती हैं उसे परचेज भी करते हैं। खास करके लॉ गार्डन की बात की जाए तो यहां पे इस साल लगभग 1000 से लेकर 10000 तक की अलग अलग चनिया चोली यहां पे मिल रही है, और बड़ी संख्या में जो लोग यहां पे चनिया चोली खरीदने आ रहे हैं वो खरीदी भी कर रहे हैं। खरीदारी के लिए आए लोगों का कहना है कि बाजार पर महंगाई का असर साफ दिख रहा है। यहाँ लोगों को मन पसंद चीजें मिल रही हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि चीजों की कीमत इस बाजार में दूसरे बाजारों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। यहाँ पे हम हर रोज देखने के लिए आते हैं, शॉपिंग करते हैं, थोड़ी थोड़ी देख के जाते हैं, फिर और दूसरी दुकान में जाते हैं, पर यहाँ पे ज्यादा रेट है, क्योंकि यहाँ पे 3500 के 7000 के बीच में चनिया चोली मिल रही है। जहाँ मैंने जहाँ से ली वहाँ पे 1800 की थी, और यहाँ पे वही चीज 3500 में है। इस मार्केट की खासियत है कि यहाँ एक से बढ़कर एक डिजाइन वाली चनिया चोली, गहने और छोटे बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती है। यहाँ पर चोली, चनिया चोली वगैरह सब बहुत कुछ अच्छा मिलता है, और मतलब पिछले साल में आई थी उस टाइम रेट कम थी, इस साल बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। मैंने अभी 1800 की एक चनिया चोली खरीदी, यहाँ पे उसकी मतलब 3500 रेट है, बहुत ज्यादा ही रेट बढ़ गई है। नवरात्रि में मिनिमम 10 to 50,000 रहता ही है, और उसमें हम सोचते हैं कि हमको 4-5 चनिया चोली मिल जाए, और हम सोचते हैं कि हमको नवरात्रि बहुत अच्छी बने 10-15 हजार में, बट यहाँ पर 10-15 हजार में हम सोचते हैं, बट वो हमको मिलता ही नहीं है। 7000 में 8000 में ऐसी चनिया चोली हमको प्राइस बताई जाती है यहाँ पे। गरबा की खरीदारी में जुटी कई महिलाओं का कहना है कि पहले यहाँ बार्गेनिंग होती थी, लेकिन इस साल ज्यादातर दुकानदारों ने रेट फिक्स रखा है। बस मेरा नवरात्रि का कलेक्शन अच्छा है तो मैं नवरात्रि की शॉपिंग के लिए आई हूँ यहाँ। जैसे जिसके कलेक्शन है उसके तक प्राइस जाती है, तो मैंने जो लिया है वो 1000 का है, सिर्फ चनिया है, और जैसा आप चाहो वैसे वो बना सकते हैं। नवरात्रि का ऊपर का, नीचे का, और पूरी पैर भी मिल सकती है यहाँ पे, तो जैसा आप चाहो वैसे बनवा सकते हैं यहाँ पैर भी। डिजाइन तो अच्छी है, बट वैल्यू ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है, बहुत हाई है,
और महंगाई बहुत इधर दिख रही है, महंगाई ज्यादा दिख रही है। नवरात्रि में तो अब लड़कियों का कोई बजट नहीं होता, वो शॉपिंग करने निकलती है तो वो अपनी मर्जी से ही शॉपिंग करती है, पर इधर आपका आते ही बजट ज्यादा हो जाता है। इस भीड़ में ऐसे माता पिता भी हैं जो अपनी बेटियों के लिए चनिया चोली खरीदने आए हैं। ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि भले ही यहाँ रेट थोड़ी ज्यादा हो लेकिन यहाँ मन पसंद चीजें मिल जाती हैं। नवरात्रि के लिए मेरी डॉटर के लिए चनिया चोली, दुपट्टा और ऑर्नामेंट्स परचेस किए हुए। मोस्टली हम लोग अजरक के ढूंढ रहे थे लेकिन इस बार अजरक के चनिया चोली बहुत अच्छी वैरायटी में और काफी रीजनेबल प्राइस में मुझे मिले हैं और उससे मैं बहुत खुश हूँ। जो मैं बाहर से परचेस करने वाली थी उसमें रेट काफी ज्यादा थे और यहाँ मुझे जैसे मेरी बेटी के लिए चाहिए था वैसा मुझे मिला है। वैसे तो पूरे देश में नवरात्रि के मौके पर उत्सव का माहौल रहता है लेकिन गुजरात में 9 दिनों तक अलग ही रौनक नजर आती है। जगह जगह श्रद्धालु माता रानी की भक्ति में लीन डांडिया खेलते नजर आते हैं। खास बात यह है कि गुजरात सरकार की ओर से नियमों में बदलाव करते हुए श्रद्धालुओं को रात 12 बजे तक गरबा डांडिया खेलने की इजाजत दी गई है। यानी इस साल भी नवरात्रि में रात 12 बजे के बाद युवक युवतियां जी भरकर गरबा खेल सकेंगे। आपको बता दें कि गरबा गुजरात का मशहूर लोक नृत्य है। गरबा नृत्य के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है। इसमें डांडिया का इस्तेमाल किया जाता है और डांडिया को आपस में टकराकर नृत्य किया जाता है। नवरात्र के दौरान गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित देश भर के ज्यादातर हिस्सों में गरबा नृत्य का भव्य आयोजन किया जाता है। इसमें आम लोगों के अलावा बड़ी संख्या में युवक और युवतियां हिस्सा लेते हैं। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतर इस्तेमाल के डिजिटल के इस दौर में छोटे बच्चों की परवरिश पर तकनीक के बुरे असर की चर्चा खूब होती है लेकिन तकनीक के प्रभाव को कभी बुरा बताकर उनके विकास तक से जोड़ दिया जाता है। इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार स्मार्टफोन्स को ठहराया जाता है। हालांकि AR यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वही स्मार्टफोन अब पढ़ाई लिखाई में बच्चों में दिलचस्पी जगाएगा। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े कुछ लोग क्लास 1 से क्लास 5 तक की पढ़ाई को उबाऊ की जगह दिलचस्प बनाने में जुटे हैं और इन लोगों ने छोटे बच्चों के लिए एक हाईटेक बुक तैयार की है जो पहली से पांचवीं तक पढ़ने वाले बच्चों की न सिर्फ सेल्फ स्टडी में मदद करेंगे बल्कि पाठ्य पुस्तकों को रटने के उबाऊ काम से छुट्टी भी मिल जाएगी। सिर्फ एक स्मार्टफोन ऐप के जरिए स्पेशल तकनीक से तैयार की गई टेक्स्ट बुक में बदल जाएगी। इससे हर बच्चे की पढ़ने और समझने की क्षमता में कमाल का इजाफा होगा। AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना जरूरी है हम सबके लिए ये हम सब कई एग्जांपल्स में देख चुके हैं लेकिन जब इसका इस्तेमाल पढ़ाई में किया जाए तो ये पढ़ाई को भी और ज्यादा आसान और मजेदार बना देती है। ऐसी एक टेक्निक लेकर आए हैं सुमित मेहता मेरे साथ में है, टेक बुक इनके हाथ में है और टेक बुक क्या है ये आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल बुक की तरह ये बुक है हालांकि ये दिखती बिल्कुल एक टैब जैसी है जैसा एक टैब आप देखते हैं लेकिन ये एक टेक बुक है और इसमें प्रॉपर वो चैप्टर्स हैं जो कि फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास के जो बुक्स में चैप्टर्स होते हैं वैसे ही चैप्टर्स हैं। लेकिन अलग क्या है, अब इन चैप्टर्स को आप अपने मोबाइल में एक ऐप के थ्रू स्कैन करके 3D डायमेंशन में आप चैप्टर को रीड कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। उसका एक डेमो हमें सुमित दिखा रहे हैं। जी, कैसे काम कर रहा है? तो देखिए अभी ये इस चैप्टर में स्केलेटन 2 डायमेंशन में है लेकिन हमारी लाइफ तो 3 डायमेंशन में है तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी के द्वारा फिजिकल बुक वर्चुअल डायमेंशन पे आ गई है और अभी हमको बता रही है कि कैसे वो जो स्केलेटन है अभी यहाँ पे आ गया।
आप स्केलेटन को आप घुमा सकते हैं, इसको जूम इन कर सकते हैं, इसका ऊपर से नीचे तक मुआयना कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल जैसे ये हमारे बीच ही हमारे सामने आ गया है, इसको हम अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। आप इसके आसपास जा सकते हैं, और अगर आपको अगर ये है कि मेरे को जूम इन करके किसी पार्ट का करना है तो आप इसके बारे में सीख भी सकते हैं, तो अभी आपको सिखाएगा। वेलकम टू द वर्ल्ड इनसाइड योर बॉडी। आवर स्केलेटन इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ बोन्स, इट्स व्हाट कीप्स अस स्टैंडिंग मूविंग एंड प्रोटेक्टेड। पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन इज स्कल। तो अभी सर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताएगा। रिब केज, द स्ट्रक्चर, लिंब बोन, बैक बोन। और अगर आप चाहते हैं कि एक्सप्लोर करें, आप उसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जैसे मैंने स्कल पे सो क्लिक किया था, अब मैं स्कल को अगर मुझे डीपली एक्सप्लोर करना है तो मैं उसको एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मैं इसे घुमा सकता हूँ बिल्कुल आपके सामने, जैसे हम वीआर देखते हैं तो वीआर में भी बिल्कुल हमारे सामने चीजें होती हैं, वैसे ही एक बच्चे के सामने वो सब कुछ होगा और वो उसे देखकर अच्छे से समझ पाएगा। अभी ये सोलर सिस्टम का चैप्टर देखते हैं। अब देखिए ये सोलर सिस्टम है। अब इसको देख के बहुत मुश्किल है बच्चे को इमेजिन करना कि सोलर सिस्टम कैसा होता होगा, लेकिन अगर ये लाइव आ जाए आपके पास, तो मैंने इस पेज को स्कैन किया, ये मैजिक स्कैन है, वो ढूंढ लेता है कि इस पेज पे क्या मैजिक होने वाला है। और अब हमारे बीच में अगर मैं ए आर ई को दबाऊंगा तो हमारे बीच में सोलर सिस्टम अभी आ जाएगा। अब आप देखिए, तो अभी ये सोलर सिस्टम हमारे बीच में है। अब मैं सन में जूम कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि अर्थ और अर्थ के आसपास मून, ये देखिए अर्थ यहाँ पे है, देख रहे हैं आप अर्थ, आपको अर्थ को अगर मैं घुमाऊंगा तो हमें उसके आसपास मार्स है, फिर आप एस्ट्रॉयड बेल्ट देख पा रहे हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट हम जब बोलते हैं बच्चों को इमेजिन करना मुश्किल होता है, बट अभी देख पा रहे हैं आपके कैसे एस्ट्रॉयड्स पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। फिर आप पास में आएंगे तो ये मरकरी है, और दूर आपको जुपिटर दिख रहा है, आप जूम इन कर सकते हैं जुपिटर पे। तो ये दिस इज ऐसे कि आपकी कक्षा में, आपकी क्लास में सोलर सिस्टम आ गया है और आपके बीच में है, और आप उसके आसपास जा सकते हैं, हर प्लैनेट को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये चैप्टर है देन एंड नाउ, ठीक है, आप देख रहे हैं स्टोरी। तो अगर मैं इसको स्कैन करूं तो वो ये कैप्चर कर लेगा, पेज कैप्चर, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मुझे पढ़ना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अभी उसने स्कैन कर लिया तो किताब वर्चुअल हो गई, और मैंने इसको अभी हमें दो ऑप्शन देगा, एक बोलेगा कि रीड टू मी, मतलब किताब मेरे लिए पढ़ो। तो आप देखिए जो किताब है वो ये पढ़ पा रहे हैं। अब आपने देखा कि बच्चे की आवाज और मॉम की आवाज अलग है। What is it? Mom asks. ठीक है, तो ये था कि बच्चा पढ़ पा रहा है, लेकिन सॉरी किताब पढ़ रही है बच्चे को, लेकिन अगर बच्चे को अपनी रीडिंग इम्प्रूव करनी है तो क्या ये हो सकता है कि बच्चा पढ़े और उसको फीडबैक मिले कि वो सही से पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा। इसमें इसका इम्पोर्टेंस ये है कि देखिए नॉर्मली तो क्लास में जब टीचर पढ़ती है तो बच्चे उंगली से फॉलो करते हैं, लेकिन टीचर को ये नहीं पता चलता कि क्या बच्चा इंडिपेंडेंटली खुद पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा। तो हमने एक इंडिपेंडेंट रीडिंग असिस्टेंट बनाया है, उसका शॉर्ट फॉर्म है ईरा, जो मैंने अभी स्कैन किया था। तो ईरा बच्चे का की आवाज़ सुन के उसको फीडबैक दे पाता है, तो फिर आप सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो अगर मैंने सही पढ़ा तो ये ग्रीन हो जाएगा, और अगर मैंने गलत पढ़ा तो ये रेड हो जाएगा। स्कूल स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, तो मैंने थोड़ा लिस्प किया तो वो आ गया। लेट अस गेट रेडी सेज मॉम, ये ठीक बोला मैंने। ट्राई ऑन योर कॉलेज यूनिफॉर्म, अब मैंने गलत पढ़ा। ओ नो आई क्राई इसे। आगे बढ़ते हैं, और अब एक गुड न्यूज, सुनीता विलियम्स और बलमोर की वापसी से जुड़ी हुई है। नासा स्पेसएक्स का अंतरिक्ष यान दो एस्ट्रोनॉट को लेकर रविवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया, और इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच बलमोर को वापस लाना है। और अगर सब कुछ सही रहा तो विलियम्स और बलमोर की धरती पर वापसी फरवरी 2025 तक हो सकती है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई,
और खुशियों के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे अंतरिक्ष यात्रियों का स्वागत हुआ। नासा स्पेसएक्स अंतरिक्षयान दो एस्ट्रोनॉट को लेकर रविवार को रवाना हुआ था, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। नासा स्पेसएक्स मिशन फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से सफलतापूर्वक लॉन्च होने के बाद सुरक्षित रूप से आईएसएस पहुंचा तो सबके चेहरे खुशी से खिल उठे। नासा ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि ड्रैगन के हेड से गुजरने के बाद क्रू 9 के चालक दल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गए हैं। ये लोग 5 महीने तक आईएसएस पर रिसर्च और परिक्रमा प्रयोगशाला के रखरखाव करेंगे। इनका स्वागत है। इस अंतरिक्षयान में नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रोस्कोसमोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव सवार हैं। खास बात यह है कि क्रू 9 के सदस्यों के अलावा इस अंतरिक्षयान पर अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वेरी विलमोर के लिए 2 सीटों को खाली छोड़ा गया है ताकि उनको सुरक्षित धरती पर वापस लाया जा सके। इसी साल 5 जून को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर को 8 दिनों की यात्रा पर भेजा था, लेकिन दोनों वहीं फंस गए। दरअसल दोनों स्टार लाइनर अंतरिक्षयान के जरिए मिशन पर गए थे। ये अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टार लाइनर अंतरिक्षयान की पहली उड़ान थी। लॉन्च होने के बाद 24 घंटे के अंदर ही स्टार लाइनर में खराबी आने लगी थी। स्टार लाइनर के 28 थ्रस्टरों में से 5 अलग अलग समय पर फेल हो गए थे। हीलियम लीक होने की वजह से धरती पर वापसी को टाल दिया गया था। नासा ने बताया था कि स्टार लाइनर से वापसी करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। तब नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए स्पेसएक्स विमान को चुना। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो फरवरी 2025 तक सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर धरती पर वापस आ जाएंगे। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।